हमारी आशाओं के केंद्र बिंदु सम्मानीय पायलट साहब, राजस्थान के वयोवृद्ध किसान नेता, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एकमात्र उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र जी चौधरी, मेरे 1980 से साथी विधानसभा के वर्तमान मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, छोटे भाई राजेंद्र बूढ़ा जी और मंच पर विराजे सभी सम्मानित नेतागण, सभी विधायकगण, बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकारगण, मुझे प्रसन्नता है इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पूरी वक्ताओं ने काफी विस्तार से चर्चा की है। पायलट साहब, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। आप रामायण काल से देखिए, जब भी कहीं अन्याय और भ्रष्टाचार होता है, कोई ना कोई नौजवान जन्म लेता है और वो आगे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करता है। मित्रों, भगवान राम ने अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण को मारने के लिए पदयात्रा की थी और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन जी ने पदयात्रा करके शुरुआत की है। मैं मेरी ओर से, आप सब की ओर से, सचिन जी अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मित्रों, ये काफिला केवल सचिन जी का काफिला नहीं है, सचिन जी के प्रति आकर्षण है, सचिन जी को नेता मानते हैं, सचिन जी से उम्मीदें हैं इस प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को। लेकिन सचिन जी, ये काफिला ये भी साबित करता है कि इन लोगों के दिल और दिमाग में बड़ी कुंठा है। 4 वर्ष पहले आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, बीजेपी की सरकार को हटाया और उसके बाद संघर्ष का परिणाम नौजवानों ने दिया कि कांग्रेस की सरकार बनाई। आज हमारी सरकार के किए हुए पुराने वादों को याद दिलाने की बात आई है। कांग्रेस का जब चुनाव होना था, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, बड़े नेताओं ने कहा था, भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच हम करेंगे। ये भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच की बात सचिन जी कांग्रेस नहीं कर रही है खाली, मुझे याद है 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप तत्कालीन भाजपा सरकार पर कैलाश मेघवाल जी ने लगाया था, जो केंद्र में मंत्री थे। उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। हमने भी वादा किया था भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, तो हमारा धर्म बनता है हम भ्रष्टाचार की जांच कराएं। मित्रों, भ्रष्टाचार कहां कहां है इसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। अभी भाई राजेंद्र गुड़ा कह रहे थे हमारी सरकार के मंत्रियों पर अंगुली उठा रहे थे। भ्रष्ट सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, विरोध में हो, कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया है, करते रहना है और जांच सबकी होनी चाहिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जब सचिन जी निकले हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने, तो नौजवान कहता है, सचिन जी आज भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने आप निकले हैं, तो इस प्रदेश का नौजवान आपकी तरफ देखते हुए कहता है, बेपर्दा निकले हो सर्द हवाओं में, क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में। सचिन जी यदि कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, तो लोग कहते हैं कि ये बगावत कर रहे हैं। सचिन जी कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करो, तो लोग कहते हैं ये भाजपा से मिले हुए हैं, उसमें जाने वाले हैं। सचिन जी कदम उठाते हैं नौजवानों को, किसानों को लड़ाई के लिए खड़ा करने का, तो लोग कहते हैं ये गलत कर रहे हैं। सचिन जी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती। मित्रों, समय आ गया है, अब वो समय आ गया है
कि नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। जब जब भी नौजवान खड़ा हुआ है तब तब सत्ताएं बदली हैं, सरकारें बदली हैं और नई चीज सामने आई है। राजस्थान में भी आज वो वक्त, इस 45 डिग्री की गर्मी में, तपतपाती धूप में महिलाएं घर छोड़ करके आई हैं, बुजुर्ग घर छोड़ करके आए हैं, मजदूर मजदूरी छोड़ करके आए हैं। क्यों? वो आपसे संदेश लेना चाहते हैं कि आप आदेश दीजिए, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारे साथ जब लड़ाई में हम शुरू हुए हैं, हेमा राम जी जुटे, नारायण सिंह जी साथ आए, कई और बुजुर्ग साथ आए, भाई राम जी की फौज में जामवंत भी थे रास्ता बताने के लिए। रामचंद्र जी ने जो लड़ाई लड़ी, न उसमें जयपुर का राजा साथ था, न जोधपुर का राजा साथ था, न अयोध्या का राजा साथ था, न कहीं का नवाब था। कौन थे? बंदर थे, भालू थे। बंदर कौन? नौजवानों का प्रतीक। और रामचंद्र जी की उस लड़ाई में किसी ने उनसे हथियार नहीं मांगा, बंदर अपना गोटा साथ लेकर आया था। ये नौजवान भी अपना गोटा साथ लेकर आपके साथ चलेंगे। लंबी बात कहने का अवसर नहीं है, काफी नेताओं को बोलना है, सचिन जी को भी आपको सुनना है। मैं केवल दो बात निवेदन करना चाहता हूं। ये संघर्ष सत्ता का संघर्ष नहीं है, यह संघर्ष दो बात का है। हम सब लोग संकल्प लें कि राजस्थान से आवाज उठे और हम सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हाथ मजबूत करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरा नौजवान हमारे साथ सचिन जी लड़ रहे हैं। दूसरी, आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे लगे हैं, जिनको हमने परखा और देखा है, उन भाजपा के लोगों को सूपड़ा साफ भी आपको करना है। कांग्रेस की सरकार हमको बनानी है और नौजवानों के हाथ में सरकार सौंपनी है। इतना कह करके आपने समय और सम्मान दिया, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।